दोस्तों आज की वीडियो में हम 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर में कौन से डायोड और कौन से कैपेसिटर लगाना चाहिए ये हम आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पर बने रहें और दोस्तों वीडियो को लाइक एक बार कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो ट्रांसफार्मर कितने भी एम्पियर का हो, चाहे वो 1 एम्पियर का हो, चाहे 2 का, चाहे 20 एम्पियर का हो, इससे कोई डायोड का लेना देना नहीं होता है। डायोड का लेना देना होता है कि हम ट्रांसफार्मर से कुछ चीज़ को चला रहे हैं, किस सर्किट में हम अपने ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमें 1 एम्पियर के लिए डायोड चाहिए तो कितनी वैल्यू का लगेगा, और कुछ जो सर्किट हमारा है वो 2 एम्पियर का लोड ले रहा है तो उसमें कौन सा डायोड लगेगा, और कोई सर्किट हमारा 5 एम्पियर का है तो उसमें कौन सा डायोड लगेगा। मतलब जो हमारा सर्किट है, जैसे होम थिएटर बोर्ड है या 4440 IC वगैरह एम्पलीफायर सर्किट हैं, वो हैवी लोड लेते हैं तो उनमें मोटे वाले डायोड लगते हैं, उनका नंबर क्या होता है, कितने एम्पियर के होते हैं, ये सब आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें मोस्ट पॉपुलर जो हमारी डायोड होती है ये दोस्तों ए डायोड होती है हमारी IN4007 भी बोलते हैं इसको। इसके बाद जो हमारी डायोड होती है वो होती है 5399, और जो थर्ड हमारी डायोड होती है ये 5408, इसका जो कोड है ये 5408 डायोड है। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो हमारी डायोड है ये 4007 है जो, तो इसका यूज जो है सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें लिख दिया है, जो हमारी 4007 जो डायोड होती है वो हमारी 1 एम्पियर की डायोड होती है। जहाँ पे जिस सर्किट पे हमें 1 एम्पियर का लोड देना है, जो सर्किट हमारा 1 एम्पियर का लोड खींच रहा है, तो वहाँ पे हम 1 एम्पियर का डायोड लगा के चला सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूँ, जो हमारी ये डायोड होती हैं ये मिनिमम 1 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक, मैक्सिमम 1000 वोल्ट तक इसमें आप इनपुट करा सकते हैं, 1000 वोल्ट तक पे वर्क करती हैं, और इनका एम्पियर कम होता है। जो हमारी 1N4007 है ये 1 एम्पियर के लिए होती है, और जो हमारी 5399 डायोड है वो हमारी 1.5 एम्पियर की होती है, 1.5 एम्पियर की। और जो तीसरी हमारी डायोड है 5408, वो हमारी 3 एम्पियर की डायोड होती है। जहाँ पे एम्पलीफायर में ज़्यादा बेस, जो हमारे ज़्यादा बेस वाले होते हैं 4440, और जो आपको होम थिएटर में डायोड मिलेगी कुछ इस टाइप से, तो होम थिएटर के बोर्ड में 5399 आपको डायोड मिल जाएगी। तो इस टाइप से आप डायोड लगा सकते हैं। और जो है अब कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पे आप देखें 16 वोल्ट का कैपेसिटर है और 3300 माइक्रोफेरेट का है। तो यहाँ पर जब हम 1 एम्पियर के लिए सप्लाई बनाएंगे इसकी, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, पर जहाँ पे आप 3 एम्पियर के लिए या 5 एम्पियर के लिए आप सप्लाई इसकी बना रहे हैं रेक्टिफायर में, तो यहाँ पे कम से कम हमारा कैपेसिटर 35 वोल्ट और 47 माइक्रोफेरेट का होना चाहिए, 4700। अभी ये कम का है पर ये भी इसमें चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रेक्टिफायर भी हमने इसका बना के बताया है, आप उस वीडियो को भी देख लें, क्लियर तरीके से रेक्टिफायर में बना के बता चुका हूँ। चाहे वो 0-12 हो या 12-0-12 हो, आप किसी भी ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके एक लाइक से हम जिंदा रहते हैं।